नमस्कार, खुराना फोरम में आपका स्वागत है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी जैसे सत्ते में आ गई। वैसे तो कांग्रेस को भी यह उम्मीद नहीं थी कि 224 में से 135 सीट्स वह जीत लेगी, लेकिन एक शख्स ने अपने एग्जिट पोल्स से यह पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि कांग्रेस 122 से 140 सीट्स कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत सकती है। और उस शख्स का नाम है प्रदीप गुप्ता, हु इज़ CMD ऑफ एक्सिस माई इंडिया, जो 2013 से चुनावों के एग्जिट पोल्स कर रहे हैं और 64 में से 60 एग्जिट पोल्स के प्रेडिक्शंस सही साबित हुए हैं। प्रदीप गुप्ता की कंपनी एक्सिस माई इंडिया इंडिया टुडे ग्रुप के साथ एग्जिट पोल्स के नतीजे बताती है, और इनके प्रेडिक्शंस जब नतीजे आने के बाद सच साबित हो रहे थे तो बीजेपी के प्रवक्ता बहुत असहज महसूस कर रहे थे। गौरव भाटिया, एक तरफ तो जो सुप्रिया जी कह रही हैं जो बातें, उसी में मैं ये बात जोड़ना चाहती हूँ कि लगभग एक साल पहले से हम देख रहे हैं कि हिजाब जैसा मुद्दा हो या अब चुनाव के ठीक समय बिल्कुल बजरंग बली का मुद्दा, क्या मुख्य मुद्दों से अगर भटकाकर चुनावी राजनीति की जाएगी तो जनता का इस तरह का फरमान आ सकता है? क्या आप इसे उस हिसाब से स्वीकार करेंगे सुप्रिया जी जो एनालिसिस दे रही हैं उसको? देखिए, सबसे पहले तो श्वेता जी, अगर कांग्रेस की प्रवक्ता जी है तो भाजपा का प्रवक्ता भी जी होगा। ये नहीं हो सकता कि रुझान में थोड़ा अच्छा आ गए तो वो जी हो गई अच्छा। और हम नहीं है, लेकिन वो बात अलग रखते हुए मैं एक बात कह रहा हूँ, हम ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ रहे, खास तरीके हम से मीडिया, हम आपको गोदी मीडिया नहीं बता रहे। श्वेता जी, अलग निकल कर आई श्वेता जी, हमने आपको गोदी मीडिया नहीं बताया, ना ईवीएम पे ठीकरा। और अमित मालवीय, हु इज द हेड ऑफ द IT सेल ऑफ बीजेपी, अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट, देखिए वह राजदीप सरदेसाई को क्या सलाह दे रहे हैं और कितने गुस्से में हैं। I read this morning that he is turned 58. I think he should retire from politics or perhaps his journalism and go to politics full time because that is all that he does as a journalist. Why don't you smile? I can send some Mysore Pak for you. We don't. I've got some Mysore Pak. You are of no use. You are a propagandist. You should retire. You are 58. Okay. You should go. I've been telling you, I tell you every election, but you refuse to. You should go and prostrate in front of Sonia Gandhi and ask her to give you a Rajya Sabha seat for the services that you do for the Congress. Sir, you go lower, the higher I will climb. I will smile every time you give these low jibes. You are from the party of Vajpayee and Advani.